हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश पैडागोजी के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज़ व्हेन स्टूडेंट लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देयर मोटिवेशन इज। देखो, मोटिवेशन के टाइप होते हैं। जब अगर आपने मोटिवेशन पढ़ा है तो मोटिवेशन के बहुत सारे के प्रकार होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में कि जब एक स्टूडेंट्स एक लैंग्वेज को लर्न करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है, ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि उसको अच्छी नौकरी मिले, तो ये किस तरीके का मोटिवेशन है, मतलब क्या चीज़ उसके अंदर से ऐसी आ रही है, मतलब किस तरीके का मोटिवेशन उसको मिल रहा है कि वो लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश कर रहा है। देखो, इसेंट्रिक, एक्सट्रेंसिक, इंट्रेंसिक, एक्जॉटिक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंट्रेंसिक, मतलब जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, अंदर से उसके आता है। तो अंदर से जो मोटिवेशन आता है तभी तो आप दूसरी लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि भाई हाँ मुझे खुद से करना है, मुझे अपना बेहतर करना है, अपना जो है मतलब नौकरी को अच्छा करना है, तो आपके अंदर से वो चीज़ आती है। तो इंट्रेंसिक मोटिवेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन, आपके ऑप्शन हैं स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग यूजिंग सिनोनिम्स और यूफेमिनिज्म, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन एंड मीनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, कन्वर्जन एंड मीनिंग। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट हायर ऑर्डर थिंकिंग। आपसे पूछा गया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग को लेकर के बेसिकली क्या चीज़ है जहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई होती है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवेल्यूएशन। तो उसका करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन। देखो, अगर आप हायर ऑर्डर थिंकिंग कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ लर्न करने के बाद उसको अप्लाई करते हैं चीज़ों को, कि चीज़ों को लर्न करना ही सब कुछ नहीं होता, जब तक आप लर्न करने के बाद उसको अप्लाई नहीं करते तब तक वो चीज़ बेस्ट नहीं मानी जाती। तो आप अप्लाई तभी कर पाओगे, एप्लीकेशन तभी कर पाओगे जब आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी अच्छे से सोचता हो, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग को करता हो, ठीक है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि अगर हम मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं होता, थ्योरी पढ़ो, रूल्स को समझो, फिर इसको अप्लाई करो। अगर आप अप्लाई करने तक पहुँच रहे हो तब आप मतलब कंसिडर करे जाओगे कि हाँ भाई आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स कैन एनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन आपको बच्चे को करवाना है, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब भाषा अधिग्रहण करवाना है, लेकिन मातृभाषा नहीं, कोई दूसरी भाषा। तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड रिटन आउटपुट्स, इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यूज, एडवोकेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, द अपॉर्चुनिटीज टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द टारगेट लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। जब आप बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दोगे कि अपने जो ओपिनियंस हैं उनको वॉइस आउट करो, मतलब आप बोलो उसी लैंग्वेज में बोलिए जो आपको एक्चुअली सीखनी है, तो ऑब्वियसली बात है आप उसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और उस लैंग्वेज का आप एक्विजिशन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव इज़ एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच। एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी से बहुत बार सी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी टेट, यू टेट या जितने भी आपके स्टेट टेट है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक्टिव वोकैबुलरी ऐसी वोकैबुलरी होती है बेसिकली जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, काफ़ी यूज़ करी जाती है। तो आपके जो ऑप्शन है वो देख लो एक बार, वी यूज़ फ्रीक्वेंटली इन अवर डेली लाइफ, वी यूज़ ओकेजनली, आर्टिफिकल, वी रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, वी यूज़ फ्रीक्वेंटली इन अवर डेली लाइफ। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन होते हैं, लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर आप उन लोगों को कहोगे जो आपकी फैमिली से पहली बार स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनको कहा जाएगा फर्स्ट जनरेशन लर्नर, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ ए वर्ड गेट्स इस मीनिंग, कोई शब्द होता है तो उसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो बेसिकली कहाँ से आता है, फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी से आप ढूंढ सकते हो, स्पेलिंग से आता है, या फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन रिलेशन टू इट्स टेक्स्ट। तो हमेशा इसके ओरिजिन से जो है वर्ड का मीनिंग आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। ये मैंने कई बार बताया हुआ है, इस पर डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं, डिटेल वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। वर्ड और उसकी मीनिंग की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स, सिंटैक्स, लिंग्विस्टिक या सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स कहा जाता है
वर्ड की जो स्टडी होती है उसको और उसके मीनिंग की स्टडी को सिमेंटिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी साउंड्स आर वोवल्स एंड हाउ मेनी आर कॉन्सोनेंट्स रेस्पेक्टिवली। पूछा गया है कि इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, उसमें से कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कितने वोवल साउंड्स होते हैं। देखो 44 जो साउंड्स होते हैं वो हम बेसिकली फोनेटिक साउंड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास होते हैं 20 वोवल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। फिर वोवल साउंड अगेन मोनोफोन्स एंड डिफोन्स में डिवाइडेड होते हैं, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज कॉम्पोनेंट। इनमें से लैंग्वेज कॉम्पोनेंट क्या नहीं है, ग्रामर है, स्पीच है, साउंड सिस्टम है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये क्वेश्चन सीरियस में पूछा गया है कई बार, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट लैंग्वेज कॉम्पोनेंट नहीं होता, ग्रामर भी होता है, स्पीच भी होता है, साउंड सिस्टम भी होता है, ठीक है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपकी क्वेरी हो, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।